सुप्रभात बच्चों, आज आप लोग कक्षा वन में हिंदी पाठ्य पुस्तक अरुणिमा में संकलित मात्राओं को जानिए। स्वर वर्ण व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में जुड़ते हैं। सभी स्वरों की मात्राओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तथा अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर जैसे आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ, ये सारे स्वर का मात्रा चिन्ह दिया हुआ है। आप लोग अपने बुक में देख रहे होंगे। आ का मात्रा है अकार और इसको व्यंजनों के साथ जोग होने पर उसका रूप जो है बदल जाता है। जैसे ज वर्ण में अगर आ का मात्रा जोड़ते हैं तो जा बन जाता है, और उसी प्रकार मात्रा लगे हुए उससे शब्द भी बना सकते हैं। जा जा में आ स्वर का मात्रा जोड़ें तो जा बन गया, और उसी प्रकार ना में अगर आ की मात्रा जोड़ते हैं तो ना बन जाता है, और जा जा और ना को अगर एक साथ जोड़ देते हैं तो जाना शब्द बन जाता है। आगे है हस्वी। हस्वी क्या मात्रा आप अपने बुक में देख ही रहे हैं। हा में अगर हस्वी की मात्रा जोड़ते हैं तो ही बन जाता है। उसी प्रकार ही में रा और ना वर्ण अगर जोड़ते हैं तो हिरण शब्द बन जाता है। और भी अनेक शब्द हस्वी की मात्रा जोड़कर आप लोग बना सकते हैं। आगे है दीर्घ ही। दीर्घ ही का मात्रा आप लोग अपने बुक में देख ही रहे होंगे। त में अगर दीर्घ ही की मात्रा जोड़ते हैं तो ती बन जाता है। ती और ती में अगर सा वर्ण और जोड़ देते हैं तो ती शब्द बन जाता है। उसी प्रकार ती में और नए वर्ण रा अगर जोड़ते हैं तो तीर शब्द भी बन जाता है। तो इसमें और भी नए नए वर्ण जोड़कर आप लोग अनेक शब्द बना सकते हैं। अगला है हस्व उ की मात्रा। हस्व उ की मात्रा अगर किसी वर्ण में जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए स है, स में हस्व उ की मात्रा जोड़ते हैं तो सु बन जाता है। उसी प्रकार से सु में मा और ना वर्ण जोड़ते हैं तो सुमन शब्द बन जाता है। सु में खा अगर जोड़ देते हैं तो सुख बन जाता है। सु में अगर ना जोड़ देते हैं तो सुन बन जाता है। इसी तरह से अनेकों शब्द आप लोग हस्व उ की मात्रा जोड़कर बना सकते हैं। आगे है दीर्घ उ। दीर्घ उ का मात्रा अगर लगाते हैं किसी वर्ण में, मान लीजिए का वर्ण है आपके पास, अगर का में दीर्घ उ की मात्रा लगाते हैं तो कु बन जाता है, और उसी में अगर और वर्ण जोड़ते हैं तो कु में अगर पा जोड़ देते हैं तो कूप शब्द बन जाता है। कु में अगर ला जोड़ते हैं तो कूल बन जाता है। तो इसी तरह से और भी अनेक शब्द आप लोग इससे बना सकते हैं। अगला है री। री का मात्रा अगर ता में री का मात्रा लगाते हैं तो त्रि बन जाता है, उसमें अगर ना जोड़ दे हैं तो त्रीन बन जाता है। तो और भी अनेक शब्द इसमें री की मात्रा किसी भी वर्ण में जोड़ करके और आप लोग नए नए शब्द बना सकते हैं। ए
अगला स्वर है ए। ए का मात्रा है एक पाई ऊपर में। अगर खा वर्ण में ए की मात्रा आप जोड़ते हैं तो खे बनता है, और खे में अगर ला वर्ण जोड़ देते हैं तो खेल शब्द बन जाता है। तो उसी प्रकार उसमें खे में अगर ता जोड़ते हैं तो खेत भी बन जाता है, और भी अनेक शब्द आप बना सकते हैं। आगे ए के बाद है ऐ। ऐ का मात्रा है दो पाई ऊपर में। अगर बा वर्ण में ऐ की मात्रा को लगाते हैं तो बै बन जाता है, और बै में रा वर्ण अगर जोड़ देते हैं तो बैर बन जाता है। अगर बै में ला जोड़ देते हैं तो बैल शब्द भी बन जाता है, और भी अनेक शब्द आप लोग नए नए बना सकते हैं ऐ की मात्रा लगाकर। आगे है ओ। अगला स्वर क्या है? ओ। ओ का मात्रा है एक पाई ऊपर में और एक पाई नीचे में। अगर का वर्ण में ओ की मात्रा लगाते हैं तो को बन जाता है। मा वर्ण में अगर ओ की मात्रा लगाते हैं तो मो बन जाता है। का में ओ की मात्रा लगाते हैं तो को बन जाता है, और उसमें या और ला वर्ण अगर जोड़ते हैं तो कोयल शब्द बन जाता है, और मो में अगर रा जोड़ते हैं तो मोर शब्द बन जाता है। इसी तरह से और भी शब्द आप लोग नए नए बना सकते हैं ओ की मात्रा लगाकर। अगला स्वर है औ। औ का मात्रा है दो पाई ऊपर में और एक पाई नीचे में। माँ में अगर औ की मात्रा लगाते हैं तो मौ बन जाता है, अगर उसमें ता वर्ण जोड़ देते हैं तो मौत शब्द बन जाता है। उसी प्रकार चा में अगर औ की मात्रा लगाते हैं तो चौ बन जाता है, और अगर उसमें का वर्ण जोड़ देते हैं तो चौक शब्द बन जाता है। अगला स्वर है अंग। अंग रा में अंग लगाते हैं तो रंग बन जाता है, और अगर उसमें गा वर्ण जोड़ देते हैं तो रंग शब्द बन जाता है। चा में अगर आन लगा देते हैं तो चा बन जाता है, अगर दा उसमें जोड़ देते हैं तो चांद शब्द भी बन जाता है। तो उसी प्रकार से और भी नए नए अनुस्वार अनुनासिक से आप लोग बना सकते हैं। अगला है आ। ता में अगर आह की मात्रा लगाते हैं तो तह बन जाता है, और माँ में अगर आह लगाते हैं तो माह हो जाता है। उसी प्रकार से प्रा में अगर तह वर्ण जोड़ते हैं तो प्रातः शब्द बन जाता है। ना में अगर माह वर्ण जोड़ते हैं तो नमः शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से आप लोग अनेकों शब्द इससे बना सकते हैं। व्यंजनों में स्वर मात्राओं के रूप में जुड़े रहते हैं। व्यंजनों में क्या है? स्वर जो है मात्रा के रूप में जुड़े रहते हैं। जैसे जा, जा अगर कहते हैं तो लगता है कि आ भी, आ स्वर इसमें जुड़ा हुआ है। की बोलते हैं तो लगता है कि इसमें ई स्वर की मात्रा भी जुड़ी हुई है। जब व्यंजनों में स्वर ना जुड़ा हो तो उसे इस प्रकार लिखते हैं। जैसे का में अगर नीचे हलंत लगा देते हैं तो वो आधा का हो जाता है, तो वो पूर्ण व्यंजन नहीं होता है, आधा व्यंजन हो जाता है। का अगर नहीं लगाते हैं तो आधा हो जाता है। तो अगर व्यंजन के बिना अगर हमको वर्ण लिखना है तो का में नीचे हलंत लगाएंगे। अगर खा हमको बिना स्वर के बिना लिखना है तो खा के नीचे हलंत लगा देंगे। माँ लिखना है तो माँ के नीचे हलंत लगा देंगे। इस तरह से आप लोग बिना स्वर के
लिख सकते हैं। तो आप लोग सभी व्यंजनों में भी मात्रा जोड़ने का प्रयास करें, जैसे का से लेके ज्ञ तक जो भी व्यंजन है सभी में मात्रा जोड़ने का आप लोग प्रयास करेंगे, बार बार लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो आप लोग बच्चों, आप लोग आ स्वर, ये स्वर और स्वर से बने व्यंजन और मात्रा, स्वर का मात्रा, ये पूर्ण रूप से याद करेंगे और हर स्वर से, हर स्वर का जो मात्रा है उससे 10-10 शब्द बनाएंगे और पूर्ण रूप से स्वर और मात्रा का चिन्ह याद करेंगे। तो बच्चों बस आज इतना ही, अब दूसरे दिन हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।